अभी हम इसको देखते हैं कौन सा स्नेक है इन कंडों के बीच में छुपा हुआ है। ये चारा वगैरह भी और जानवर वगैरह बंधे रहते हैं, तो अभी हम देखते हैं कौन सा स्नेक है और इसको फिर रेस्क्यू करते हैं और जंगल में रिलीज करेंगे। पूरा कुटा धीरे धीरे होता सर पता चले जाएगा। नहीं भागना की जरूरत ही नहीं है। वीडियो पूरा बनाना है ना। तो देखिए ये एक स्पिटिकल कोबरा है, दिख गया आपको? हाँ, ये ना स्पिटिकल कोबरा है, कोबरा स्नेक जिसमें कि न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर होता है। ये उधर उधर भैया, ये साइड लाइट तो वो देख लिया, वो देख लिया, देख लिया, देख वो और देख ले मतलब भाई जानवर ये तो हाई फाई से यहाँ यहाँ ये भैया इधर इधर ये इधर है पीछे पीछे वापस वापस हो गया। नीचे जो भी है ये कार जो सिर्फ चल रहा है लाइट देखा है कार चल रहा है। वो तो वो सब देख के रहा है। ये रहा जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी हमने बिल्कुल सुरक्षित रूप से स्नेक को रेस्क्यू कर लिया है। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि ठंड का मौसम ख़त्म हो गया है और गर्मी धीरे धीरे स्टार्ट होती जा रही है, तो ठंड में क्या है सांप कुछ खाते नहीं है, हाइपरनेशन में चले जाते हैं। तो अभी ये जो सांप है ये हाइपरनेशन से अभी अभी निकला है, तो शायद इसने कुछ खाया पिया नहीं है, इसलिए थोड़ा सा लूज भी है, ज़्यादा आक्रामक नहीं है, बहुत शांत है। 4 महीने ये है खाना पीना, यहाँ तक कि पानी तक नहीं पीते हैं। यह सांप हाइपरनेशन से बाहर आया होगा और अपने शिकार को ढूंढने के लिए चूहे वगैरह या कुछ भी ऐसे इन कंडों या उपलों के बीच में होंगे, तो इन्हें खाने के हिसाब से आया होगा। और ग्रामीणों को या उनके घर वालों को जैसे ही ये सांप नज़र आया वैसे ही उन्होंने हमें कॉल किया और हमने बिल्कुल समय नहीं गंवाते हुए तुरंत ही जल्दी से जल्दी हम इस जगह पर पहुंचकर इस सांप को बिल्कुल सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया है। इसे अब हम जंगल या फॉरेस्ट में रिलीज़ कर देंगे और फिर ये कुछ इसका शिकार करेगा और उसके बाद फिर यह अपना मिलन वगैरह करेंगे। और इनके अंडे या बच्चे होते हैं, जैसे कुछ सांप अंडे देते हैं कुछ सांप बच्चे पैदा करते हैं, तो जैसे कि कोबरा है ये, तो ये अंडे वगैरह देंगे। तो ये श्रावण महीने के समय में इनके अंडों से बच्चे बाहर आते हैं। देख बाबू इधर आ जा, हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेक फ्रेंड नीलेश उपाध्याय। कल दवाना के पास खेड़ा गांव है, वहां पे राकेश भाई कुमावत के घर पे कल कंडों और उपलों के बीच में एक कोबरा स्नेक उनके यहाँ पे निकला, जहाँ पे जानवर वगैरह गाय ढोर भैंस किस तरीके से यह सांप फुसकार मार रहा है। यह अभी बहुत गुस्से में है। आप सभी लोगों से यह निवेदन है कि ऐसे किसी सांप को रेस्क्यू करने की कोशिश ना करें, क्योंकि यह एक एक्सपर्ट का काम होता है। इसमें इस तरीके से सांप वगैरह रेस्क्यू करने के लिए
काफ़ी सालों का अनुभव व जानकारी होना अति आवश्यक है। हमें काफ़ी सालों का अनुभव है और हम इन सांपों को रेस्क्यू करते हैं। आप सभी से निवेदन है इस तरीके के सांपों को रेस्क्यू वगैरह करने की कोशिश ना करें, और जानकारी अति आवश्यक है और हम हर सांप की जानकारी आपको देते रहते हैं। और इसी के साथ यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन दबाएं ताकि मेरे सभी वीडियो आपको मिलते रहें। अब हम इस सांप को फॉरेस्ट में रिलीज़ कर रहे हैं, इसके उचित वातावरण में ग्राम से दूर जहां इंसानों का बहुत कम आना जाना हो, और उचित वातावरण इन सांपों के लिए हो। और हमारा एक यही उद्देश्य है कि सांपों से इंसानों को बचाना और इंसानों से सांपों को बचाना। हाथ लगो, काट खाइए। अच्छा बनाएगी।